हेलो हाय, आज जो हम गाड़ी सर्विसिंग करने जा रहे हैं, करवाने जा रहे हैं, वो थर्ड सर्विसिंग है SD स्क्रैम्बलर का। पिछले वीडियो में मैंने देखा था वो गाड़ी में हम कहीं जगह घूम चुके हैं, अभी उसको जा रहे हैं हम थर्ड सर्विसिंग कराने। एंड ये रहा उस वो गाड़ी। भाई साहब थर्ड सर्विसिंग यूजुअली कितने किलोमीटर होता है? 12,000। थर्ड सर्विसिंग यूजुअली 12,000 किलोमीटर होता है। हमारा भाई कितना? भाई 3,219 किलोमीटर, क्योंकि ये काफ़ी दिन रह गए, गाड़ी ऐसे चलाया नहीं गया है, तो इसीलिए थोड़ा सर्विसिंग कर लेते हैं। 1 साल हो गया है लगभग सर्विसिंग का, तो चलते हैं सर्विसिंग कराते हैं, देखते हैं क्या क्या काम मांगेगा। फिर ये हमारा ESD स्क्रैम्बलर 350cc सर्विसिंग होके आ चुका है, थर्ड सर्विसिंग। और ये देख सकते हो आफ्टर सर्विसिंग गाड़ी का कंडीशन, ये जो गाड़ी का कंडीशन है बहुत ही अच्छा, मतलब अभी काफ़ी साफ हो गया है गाड़ी। पहले बहुत ही डस्ट था, जाते टाइम आपने देखा होगा कितना डस्ट था, पर इसका ज़्यादातर देखा गया तो ये इंजन ऑयल चेंज हुआ है और एक ऑयल फिल्टर होता है फिल्टर हुआ है वो चेंज हुआ है और वो थोड़ा बहुत वॉशिंग हुआ है, ज़्यादा कुछ काम नहीं था क्योंकि ज़्यादा 3,000 किलोमीटर ये चला हुआ था। और इसका
इधर एक ऑयल चेंज होता है, ये डिस्क ऑयल होता है उस वो चेंज हुआ है और ब्रेक ऑयल वो सब चेंज किए हैं। तो इतना चेंज होने के बाद, ठीक है, ये चेंज होने के बाद मैं आपको अभी दिखाऊंगा एक्चुअली इसका प्राइस क्या रखता है। भाई मुझे तो लगा बहुत एक्सपेंसिव है यार, DSD संभालना मतलब हाथी पालना जैसा है, माइलेज दिखाते हैं 20-25 का, वो एक मैं नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगा उसके ऊपर। बट ये माइलेज जो दिखाते हैं 20-25 का माइलेज दिखाता है ज़्यादा, तो मतलब मुझे लगता है कि इससे अच्छा कि भाई रॉयल एनफील्ड ले लो, क्योंकि इतना पैसा दे के DSD, ठीक है एक ब्रांड है, पुराना ब्रांड है, मैं मानता हूँ वो पुराना ब्रांड है, बट फिर भी ये पुराने ब्रांड को संभालने के लिए इतना खर्चा लगता है भाई, मतलब कार संभाल जाएगा भाई इतना पैसा में, तो कार आ जाएगा मैं बता रहा हूँ। ठीक है चलो मैं अभी दिखाता हूँ, उसका रिवील करता हूँ कितना खर्चा हुआ। ये अपना है जॉब कार्ड, कार सर्विसिंग का जॉब कार्ड। और मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि ये गाड़ी में जब हम सर्विसिंग करने गई, ये थर्ड सर्विसिंग फ्री होने वाला था, बट क्या हुआ कि वारंटी एक्सटेंड 7 दिन ज़्यादा हो गया था, इसलिए वो वारंटी का जो फ्री में होता है ना वो कट गया, उससे उसके लिए हमें 700 रुपये ज़्यादा देना पड़ा है। तो भाई टाइमली कर लो सर्विसिंग, नहीं तो ये ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, वेस्ट ऑफ मनी है। बस दिखा रहा हूँ मैं आपको, बिल दिखा रहा हूँ। और क्या है कि और एक कंसर्न ये था कि DSD शोरूम के अंदर वीडियो करना अलाउड नहीं था, तो इसीलिए मैंने कैसे सर्विसिंग क्या किया हुआ मैंने देखा है सामने, बट वो वीडियो करना अलाउड नहीं था, पता नहीं एक ही कंसर्न है। पुणे में एक ही शोरूम है, इधर से 14-15 किलोमीटर दूर, वो बाणेर के पास है, ठीक है, तो इसीलिए मैं भी अलाउ नहीं किया है उन लोग, बट ठीक है कोई बात नहीं। मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ कौन से कितना खर्चा पड़ा है, ठीक है, लगभग आप कार सर्विसिंग देखो मारुति सुजुकी का एक कार सर्विसिंग हो जाएगा इतने खर्चे में बता रहा हूँ। ठीक है देखो मैं भी दिखाने वाला हूँ, देखो ये देखो भाई, ठीक है देख रहे हो ये इधर लिखा हुआ है जो भी नाम GST पर ब्ला 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 ब्ला, प्राइस देख रहे हो प्राइस इतना, तो ये लग गया इसका, उसके पीछे जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगा है ना वो देखो भाई कितने का है, 490, ये एक्स्ट्रा चार्जेस लिए हैं, ये एक्स्ट्रा चार्जेस लिए हैं, और ये लग गया हमारा 2300 रुपये, मतलब लगभग 2800-2300 रुपये का हमारा बिल बना था भाई, 2800-2300 रुपये का ये बाइक फ्री थर्ड सर्विस। सोचो इसमें क्या क्या हुआ है, इसमें ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है जो 119 रुपीज़ है, एक गैस्कर कवर ऑयल है जो 61 रुपीज़ है, पावर ये इंजन ऑयल डाले थे, और ये जो इंजन ऑयल ना एक्स्ट्रा होता है वो रख लेते हैं उन लोग, बट इनका क्या है कि वो ना वो देना चाहिए, तो ठीक है कोई बात नहीं ये रख दिए। ये एक रेडिकॉल करके कुछ है, ये 1500-1600 रुपये, उसके ऊपर GST टैक्स मिला के हो गया 2342 रुपये, और वो जो फ्री सर्विसिंग था उसका तो पैसा लेना नहीं चाहिए था, बट फिर भी उनका कुछ पता नहीं सिस्टम में दिखाया नहीं, इसलिए वो ज़्यादा जोड़ के ये भाई 500 रुपये लगभग लगा दी, तो टोटल हो गया 2832 रुपये। अब सोच लो क्या लेना है आपको, SD लेनी है, रॉयल एनफील्ड लेनी है, जावा, वो SD के छोटे मोटे भाई होते हैं वो जावा लेनी। तो देखो ये तीनों में तो काफ़ी कंपटीशन है, बट ये रॉयल एनफील्ड तो बाप बाप है, ये सब SD तो पुराना बाप है, इसका तो बोलने की अलग बात है, छोड़ो। ठीक है आज के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ भाई, देखो जिसको लेनी है तो ले लो, ठीक है कोई बात नहीं, बट ज़्यादा थोड़ा लगता है सर्विसिंग और बहुत कम माइलेज है। इसका मैं पूरा प्रॉपर एक रिव्यू करने वाला हूँ, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो यार दोस्तों को। ये रहा अपना दुलारा TVS, इसका रिव्यू ऑलरेडी हो चुका है, छोटा मोटा रिव्यू बाइक राइड का ये हो चुका है, इसका भी सर्विसिंग करने जाने वाले हैं, उसका फ्री सर्विसिंग खत्म हो चुका है, नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा इसका पूरा रिव्यू आएगा SD का, और उसके बाद इसका तो सर्विसिंग कराएंगे, वो कैसे खर्चा लगेगा देखना भाई, डिफरेंस एक स्पोर्ट्स बाइक लेने का एक स्क्रैम्बलर लेने का बहुत अंतर है यार, ये तो कार पालने हाथी पालने जैसा है, वो तो चूहा पालने जैसा रहता है भाई, 700-800 रुपये लगता है इसका, मैं बता रहा हूँ आपको, और काफ़ी अच्छा माइलेज का, एक बार मैंने 2 महीना पहले फूल किया था टंकी, आज तक चल रहा है मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट में बताऊँगा इसका माइलेज भी क्या है। ठीक है चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट बार में, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।